फाइनली देवभूमि में आपका स्वागत है। ये देखो पहाड़ के रास्ते स्टार्ट, तुम्हारा होम टाउन आ गया है। गुड़गांव तो मैं ऐसे ही जाता हूँ ना टाइम पास करने। असली तो यही है तुम्हारा। उत्तराखंड और हिमाचल, हिमाचल और उत्तराखंड से मुझे ज्यादा प्यार है भाई। गुड़गांव तो ऐसे थोड़ा टाइम पास, घर वर देखने चला जाता हूँ लगता है। ओ भाई अब आराम आराम से चलेंगे, अब कोई जल्दी नहीं है। एक तो सामने से लाइट्स भी आती है ना, गाड़ी वाड़ी को अच्छे से पास देके आराम से मस्ती करते हुए चलेंगे। 2-3 घंटे में सुबह हो जाएगी और आपको फिर दिखाएंगे सुबह के नज़ारे। फिलहाल तो यहाँ पे स्टेट एंट्री टोल देना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे भैया को कहेंगे भैया हमारा स्वागत कर दो। हाँ बोल दो कि हिमाचल में आपका स्वागत है। भाई प्लान में आ गया सडन ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है ना, वो 1-2 व्लॉग के बाद आपको पता चल जाएगा। बट अभी जो हम प्लान कर रहे हैं, अगर वो कर पाए, मतलब वेदर कंडीशन देखना पड़ेगा और अपना आइटनरी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो प्लान कर रहे हैं ना भाई, अचानक से ही खतरनाक वाला प्लान चल रहा है। क्या जाए भैया का, हाँ जो इस हाई बीम पे जो आ रहे हैं भैया लोग, क्या किया जाए इनका? ऑन कर देंगे सब ऑक्सिलरी तो मुंह बहन, मतलब ऐसे मुंह बनाएंगे और गंदी गंदी गालियां देंगे जो हम सिर्फ लिप रीडिंग से समझ सकते हैं। बट लेकिन क्या किया जाए यार, मतलब पहाड़ों पे कितनी भीड़ है ना, सामने से इतनी गाड़ी आ रही, इतनी गाड़ियां, इन ट्रक के पीछे हम चलते चलते बोर हो गए। नंबर याद हो गया भैया का, 3379। बेटा किस्मत जबर है हमारी। रात के 2 बजे भी तुम जाम में हो। 2:15 पे हमें तगड़ा जाम, ऐसा पूरा वहां तक जाम भाई। अभी तो लाइट जल रहा है, देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें उतरने का बिल्कुल मन, अरे खुला खुला, नहीं नहीं इंच मूव हुआ है भाई। बहुत गाड़ियां भाई, हमारे पीछे भी इतनी सारी गाड़ियां हैं और आगे तो पूरा नजारा ही जाम है भाई। देख रहे हो पीछे भी पूरा जाम, और इधर तो अपनी गाड़ी है और आगे भी इधर पूरा जाम। सब गाड़ियों ने लाइट वाइट ऑफ कर दिया, अपना भी ना बस ये जल रहा है DRL। हाँ बहुत ज्यादा है ना भाई, हम इधर जाम में हम रिकॉर्ड करें, कोई वॉलेट ना लेके चला जाए। उधर साइड से पता चला वॉलेट ही गायब। ऐसा है क्या? हाँ तो गाड़ी में कौन, गाड़ी में हमने वो लगाया रखा है ना कैमरा। वॉलेट की बात कर रहे हो तुम भाई। ये देखो 24 मिनट दिखा रहा है, अब जो दिखा रहा है और जो एक्चुअल है ना भाई, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। ऐसे कछुए की चाल में चल रहे हैं, सामने से भी गाड़ियां इतनी सारी आ रही हैं और अपन तो भैया इस ट्रक वाले भैया के पीछे, अपने प्यार हो गया ना इनसे, इन्हीं के पीछे लगे पड़े हैं। भाई सही में ऑलमोस्ट 1/2 घंटे से ऊपर हो गया है और ऐसे ही चल रहे हैं हम। हाँ भैया आँख में तेजाब डाल दो मेरे, और हाई बीम करो, आँख में मार दो, आँख फूट जाए मेरा। इसी तरह हम जाम से पीछा छुड़ा के भागे भाई। भाई एकदम 2-3 घंटे तो खराब कर दिया, पता नहीं कितने घंटे खराब किया। ऐसा लगा कि मैं बचपन था, बचपन में जाम में फंसा था, बुढ़ापे में निकल रहा हूँ, उस टाइप का हिसाब किताब था भाई। चल ही नहीं रही थी गाड़ी, असला सामने से जो आ रहा था हाई बीम पे आ रहा था। उसके बाद मैंने भी हाई बीम कर लिया, मैंने कहा लो साला हम भी खड़े हैं तो हाई बीम मारेंगे। तुम लोग आग एकदम अंधा बना दिए ना। गाइस बधाई हो, परम माँ बनने वाली है, इसको भयंकर तेज से उल्टी आ रही है। कह रहा है कि भाई रोक दो कहीं पे, मुझे बहुत तेज उल्टी आ रही है। भाई मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। झूठा, तूने बोला नहीं कि तुझे उल्टी आ रही है? मैंने कहा बोला, मैंने बोला चाय कुछ पीते हैं भाई, रोक ले। सोम ढाबा पे रुके? हाँ इसी पे रुकते हैं भाई। हाँ ठीक है, सोम ढाबा पे रुके कि गणेश ढाबा पे? गणेश पे रुकते हैं, भगवान जी का नाम है ना। हाँ। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और हम बिलासपुर नहीं, हम सुंदरनगर के आसपास कहीं पे बिलासपुर का लोकेशन आ रहा है। भैया को बोला यहाँ मैगी बनाने और चाय बनाने, बाकी अपनी गाड़ी इधर है, थोड़ी देर गाड़ी को भी रेस्ट देते हैं। जब से मैंने गाड़ी संभाली थी कंटिन्यूस चल ही रहते, पर हम शीशे साफ कर देते इसका नहीं, थोड़ा सा है मैं कर देता हूँ ना, चल मैगी खाने के बाद कर देते हैं। बाकी ये वाला जो लाइट है ना, ये बीच में जल रहा है नहीं जल रहा है, तो
तो आई थिंक कहीं पे ना गाड़ी कूदी है तो उससे ना कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया, अदरवाइज ओवरऑल लाइट का जो परफॉर्मेंस था ना भाई एक नंबर, मतलब रात में मजा आ गया। आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो आपको पता चलेगा, अमेजिंग भाई। हमने गाड़ी के सामने ही ना अपना चेयर लगा लिया है ऐसे। मैगी मॉर्निंग भाई। यहाँ पे हम रुके थे, सोचा वॉशर फ्लूड में भी ना पानी डाल लेते हैं क्योंकि ये पानी हमने यूज़ किया था, और फिर यहाँ पे इजीली सोर्स अवेलेबल है पानी का तो डाल लेते हैं। यार कहाँ रुकेंगे, अगर बारिश वारिश होती है तो यही पानी हमारा विंडशील्ड साफ करेगा। और ये खाली हो चुका है ऑलमोस्ट, एक लीटर डाल दिया और ये वाला बॉटल भी पूरा खाली हो गया। चलो जी, यहाँ से 100 किलोमीटर बाकी है अपना डेस्टिनेशन, और अब बता देते हैं कि आपको हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं तीर्थन वैली। अब तीर्थन वैली का प्लान ना बहुत रैंडम बना, बट देन हम एक ही दिन तीर्थन वैली में रुकेंगे, विच इज आज की रात, क्योंकि एक दिन तीर्थन वैली में बहुत ज्यादा, या तो आप एकदम चिल करके बैठो, बट अपने को क्या है ना कि अपने को तो अलग अलग जगह घूमने में मजा आता है। तो कल अपन प्लान कर रहे हैं कि कल वहां से निकल के कुछ दूसरे जगह को एक्सप्लोर करें। अब देखते हैं वो पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है, वेदर कंडीशन क्या है, क्योंकि अभी फिलहाल हम अपने साथ ना एक भी जैकेट कैरी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी नहीं कर रहा हूँ, एक भी गर्म कपड़े नहीं है, वार्मर्स इनर वगैरह नहीं है। तो अगर कहीं पे ऐसा कुछ प्लान करते कि भैया थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, तो ऐसा नहीं हो कि भैया हमारे पास कपड़े नहीं रहे, हम गाड़ी से उतर ही नहीं पाए हीटर से। तो देखते हैं क्या करते हैं कैसे करते हैं, वो तो जो भी होगा जैसा भी होगा आपको पता चलता रहेगा। बाकी अभी यहां से लगेगा अपने को एग्जैक्टली 3 घंटे, क्योंकि पहाड़ों पे 25-30 से ज्यादा का एवरेज स्पीड आता नहीं है। अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं फिलहाल, हमारी स्पीड 60 है और अच्छे खासे रोड बने हुए हैं, मतलब अभी जो पहले ऊबड़ खाबड़ मिल रहे थे ना यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। सही लग रहा है ना भाई, एक नंबर भाई साहब, सीरियसली यार ऐसे मस्त। देखो अपनी स्पीड कितनी है, ऑलमोस्ट 100 की स्पीड है, और सामने देखो नजारे यार गजब ही सुंदर है यार। एक बार सूरज आएगा ना तो और खूबसूरत हो जाएगा। अभी तो खैर कितना टाइम हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे भाई 23 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगेगी, मतलब गुड़गांव के कंपेरिजन तो बर्फ ही पड़ेगी। खराब हो गया कि इनको ऐसे उतार दिया क्या, उतरो इतना ही भाड़ा इतने में इतना ही मिलेगा, उतार के इनसे कह रहे जाओ फोटो खींचो। जाओ फोटो खींचो भाई, सुबह ही नहीं हुई भाई, देखो सूरज ऐसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल ही नहीं पा रहे। और अपन ऑलमोस्ट 44 किलोमीटर्स दूर हैं अपने होटल के डेस्टिनेशन से। तो जीबी में अपन ने वूफर्स में स्टे करने का प्लान किया है, तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है एंड प्रॉपर्टी का लोकेशन बहुत अमेजिंग है, इस वजह से यहाँ पे रहने का प्लान किया है। नल का काम कितना तेजी से चल रहा है, मतलब तो जब भी यहाँ आता हूँ ना मैं ये तो जरूर दिखाता हूँ भाई, ये एक बार आ गया ना, ये स्टार इसका टायर देखो भाई खतरनाक, चेन चढ़ा रखी है ना टायर की, टायर खराब नहीं हो, मतलब यहाँ पे जब ड्रिलिंग वगैरह करते हैं ना तो टायर फटने के बहुत चांसेस रहते हैं, और एक एक टायर लाखों का आता है इसका, तो इस वजह से ना ये चेन चढ़ाते हैं, प्लस जो स्लश में चलते हैं ना तो वहां पे टायर को ट्रैक्शन भी मिलता है। तो ये दो रीजन, और ये चेन ना अलग कंपनी इसका टेंडर लेती है जो ये चेन्स बनाती है। इतनी गहरी नॉलेज भाई, भाई ये पता ही है, अब यहाँ पे पहाड़ों के बारे में तो थोड़ा बहुत तो पता ही है, मेरा घर ही है ये। माय मिस्टेक भाई, गुड़गांव तो मेरा हॉलीडे होम है, वो मायका है तुम्हारा। जमाना ये भला है और जरा हमें मिला है, थोड़ी दूर जो चला है वो भी आदमी भला था, उधर का रहा सफर का ही था मैं, सफर का रहा इधर का ही। लो फ्यूल वाली भी लाइट जल गई है, बाकी अपना रेंज कितना दिखा रहा है, अपना रेंज अभी 80 किलोमीटर दिखा रहा है और अपना डेस्टिनेशन 40 किलोमीटर है, तो मिला जुला के डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तेल इसलिए भराना जरूरी है क्योंकि दोपहर में उठ के बाद, मतलब दोपहर में उठने के बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाके मैं तो एडिटिंग करूंगा और उसके बाद थोड़ी देर सोऊंगा, क्योंकि रात भर मैं सोया नहीं, रात भर ऑलमोस्ट गाड़ी के स्टेयरिंग के पीछे बैठा रहा। यहाँ पानी का फ्लो देखो यार व्यास नदी में, भाई क्या मस्त फ्लो है भाई, और इनफैक्ट रेनी सीजन में तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज पानी काफ़ी ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है पानी का।
अदरवाइज अभी भी पानी काफी मटमैला है, मतलब वो जो कलर है ना वो ब्राउनिश है, एकदम ब्राउन है पानी का कलर। अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी रोड पे भी कंसंट्रेशन बरकरार रखना है। परम क्या आप, हाँ थैंक यू भाई, देखो भाई देख रहे हो कितना समझदार है। परम जैसे ही बोले, परम का हाथ तुरंत उस पे चला गया ना। किस पे चला गया? उस पे, इस पे ना। हाँ दिखा दिया मैंने, किसी और पे नहीं गया। और अपन टनल के अंदर से चले जाते, इधर एक टनल था तो मनाली, बट अपन तीर्थन के साइड जा रहे हैं। तो ये रहा तीर्थन का साइड, मतलब ये अलग ही है, यहाँ पे ट्रैफिक भी आपको कम मिलेगा, प्लस गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी कम दिखेंगी। अब पेट्रोल पंप हमें देखना था, पेट्रोल पंप आएंगे शायद जिबी जो शहर आता है, मतलब गांव आता है ना, वहाँ पे शायद हमें पेट्रोल पंप मिल जाना चाहिए, क्योंकि अपने पास ज़्यादा रेंज बचा नहीं है, सिर्फ 72 किलोमीटर का रेंज है। भाई यहाँ पे हम रुके थे, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे से रुके हुए थे। जबरदस्त ब्यास नदी ना यहाँ पे देखो, बिल्कुल भी मटमैली नहीं है, एकदम ग्रीनिश टाइप का कलर है, मतलब वो पेड़ का कलर देखो और नदी के पानी का कलर देखो, बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही खूबसूरत। ये सामने आगे डैम है और फिर वहाँ से पानी छूटता है, तो जब छूटता है तो फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, तो उस समय ना मटमैली हो जाती है। बाकी इस साइड भी बहुत ही अमेजिंग, सूरज अभी तक निकला नहीं है, ये उस पहाड़ के पीछे कहीं पे था। हमने काफ़ी सारी रील्स बनाई यहाँ पे, तो वो सारी रील्स आपको इंस्टाग्राम पे देखिए, गाड़ी की बहुत सारी फोटोग्राफ ली, मतलब अलग अलग जाके ना खूब सारा मस्त टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा ना कि मैं रात भर से सोया नहीं हूँ, मतलब एनर्जी लेवल देख रहे हो भाई, एनर्जी लेवल देख रहे हो। और अभी यहाँ से कोई भी गाड़ी जाती है ना तो पूरा ब्रिज ऐसे हिलता है, एक मिनट रुक जाओ, शोर आएगा ना अदरवाइज। भाई साहब गाड़ी जा रही है भाई, सीरियसली एक नंबर नज़ारे भाई, एक नंबर नज़ारे। एंड यही रीज़न था कि हम रात में पूरी रात ड्राइव करते रहे, ताकि जब सुबह की पहली किरण निकले ना तो अपन पहाड़ों पे हो, उस किरण में हमारी फोटो दिखे। ये जो जिबी का रास्ता भी है ना, ये काफ़ी पतला है, मतलब पतला इन द सेंस कि ना आपको नैरो मिलेगा, मनाली जैसा एकदम चौड़ा रोड नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ना देखो, एक मिनट पानी अभी आता है ना, फिर आपको दिखाता हूँ भाई क्या रैपिड्स बन रहे हैं पानी में, आप देख ही रहोगे, बहुत ही गजब के रैपिड्स बन रहे हैं। और ये देखो, तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है, ये अब सामने बोर्ड है ना, तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है, वेलकम टू तीर्थन वैली। जबरदस्त भाई जबरदस्त। यहाँ कुछ पैसे तो नहीं देने, हो सकता है वन विभाग का कुछ चार्जेस वार्जेज हो, लेकिन ऐसा किसी ने हमें मांगा नहीं तो हमने भी रुक के दिया नहीं। वैली घुसते घुसते के साथ ही अपने को मिल गया डीजल, और भाई यहाँ डीजल कितने रुपए है, डीजल है 82 रुपीज़ भाई, भाई 82 रुपीज़ है, 82। हाँ लूट लिया ना भाई, एकदम डीजल टैंक एकदम खाली करके पूरा लबा लब भरवाएंगे। 60 / 48 लीटर पूरा था, तो 560 11.66 ना, ये जो एवरेज हमें दिखा रहा है ना वो किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा दिखा रहा है, 12.8 दिखा रहा है, बट 11.6 का एवरेज है ना, 11.6 का। हाँ ये जो एवरेज दिखा रहा है अपने को, अरे यार कहाँ गया, हाँ ये देखो 12.8 का दिखा रहा है, तो मतलब इसका एवरेज ना 100% श्योर नहीं हो सकते। एक तो पतले रोड है, सामने से गाड़ियां कितनी तेज आ रही है ना भाई, एकदम झन्नाटेदार तरीके से ला रहे हैं लोग गाड़ी, एकदम पता नहीं कूड़ के कहां जाएंगे, बुंटर एयरपोर्ट जाना होगा, फ्लाइट होगा तभी इतना तेज चला रहे हैं। भाई मेरे को सीरियसली नहीं पता कि ये वीडियो कितना शेक करेगा कितना नहीं करेगा, बट इसको ना यहाँ पे लगाने की कोशिश की है ताकि आपको बोनट वाला व्यू दिख पाए, और बोनट वाला जो व्यू है ना भाई बहुत ही अमेजिंग होता है, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है ना कि आप गाड़ी में हमारे साथ बैठे हो। बट ये कितना शेकी है नहीं शेकी है ना, वो तो इसके बाद जब हम ये क्लिप देखेंगे तब पता चलेगा। बाकी देखो क्या मस्त आयरन ब्रिज, एकदम लद्दाख की याद आ गई ना। इस रास्ते पे अगर सामने से गाड़ियां आ रही है ना, बहुत दिक्कत हो रही है भाई, अभी तो रास्ता बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा, बट कभी कभी तो ऐसा है ना कि जितना आपको रोड दिख रहा है ना पतला सा उतना ही है, और साइड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वहां पे अगर बसेस या ट्रक्स आ रहे हैं ना
तब भाई मेरे को ही बैक लेना पड़ रहा है ना साइड में भाई, खाई है मतलब, हाँ मतलब वही ऐसे बोलना कुछ भी नहीं है, देख हाँ खाई है भाई। यहाँ तो लोग स्वेटर वेटर पहन के घूम रहे हैं। हाँ पीछे गए तूने देखे नहीं? हाँ स्वेटर जैकेट पहने हम तो यहाँ चड्डी बनियान ये नंग अर्ध अर्ध नंगे कपड़े लेके आए भाई, गलत तो नहीं आ गए पता चला कुकुर इस बात का पता रात को लगेगा भाई। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है भैया, आप पीछे मत कर देना बस, आपका कुछ जाएगा नहीं हमारा कुछ बचेगा नहीं। देखो पूरा मार्केट एरिया है, ये मार्केट एरिया के अंदर से अगर सामने से बस या ट्रक कुछ आ गया तो समझो आप फंस गए। और यहाँ ना साइड साइड में ये फुटस्टेप बने हुए हैं वो भी लोहे के, अगर टायर आपका गया तो भैया टायर फ्लैट है आपका भाई। सामने से कुछ आए ना, सामने से कुछ आए ना, यही भगवान से मना रहे हैं कि भाई किसी ऐसे टर्न में ना सामने से कुछ नहीं आना चाहिए। हाँ भैया निकल गए, नहीं अभी तो बचा है भाई बस मना कुछ आगे से आए ना। यहाँ मुझे ना थार लाने में उतना टेंशन नहीं है, फॉर्च्यूनर लाने में बहुत डर लगता है भाई। नई गाड़ी ना अगर हल्की भी इधर उधर सट जाए, और भाई लोकल्स तो बहुत तेज चलाते हैं यार, रोकते ही नहीं है, ब्रेक की ब्रेक पे पंजा ही नहीं लगता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ ब्रेक होते ही नहीं है। बस जी थोड़े से किलोमीटर्स और आई थिंक 800 meters, किलोमीटर्स भी नहीं 800 meters में पहुंच जाएंगे जी हम अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे बहुत सारे आपको ना स्टेज मिलेंगे जीबी में, और सारे स्टेज मोस्टली स्टेज जब यहाँ पे आप लो ना तो रिवर बेड पे लो, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर बेड है ना उसके पास बहुत सारे स्टेज हैं, अच्छे हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, सस्ते भी हैं, तो जैसा आपका बजट रहे उस हिसाब से लो, लेकिन रिवर बेड पे ही लो ताकि आपके ना पास में ना रिवर रहे, और उसकी जो कलकलाहट वाली आवाज़ है ना आपके रूम तक अगर आए ना भाई साहब, जब सुबह आप उठते हो ना इतना अच्छा लगता है, जब रात में सोते हो ना ऐसा लगता है कि कोई